आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कृष्ण कुमार शर्मा ने किया जनता से संपर्क को लेकर हुआ भव्य स्वागत। मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो जनता के लिए अच्छी योजनाएं प्राप्त होंगी, जैसे बिजली, पानी, बेरोजगारी आदि समस्याओं से जनता को निजात दिलाया जाएगा। सर्व समाज और जनता वर्तमान सरकार की कुरकुरता, इस देश की जनता महंगाई से पीड़ित है, इसको लेकर कहा कि वर्तमान सरकार जो प्रबोलन सन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देख रही है, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके भाजपा को पराजित करना चाहती है। इसको लेकर वर्तमान सरकार जो भी प्रबोलन जनता को दे रही है उसको लेकर वोट ना दे। जी मेरा नाम है कृष्णा शर्मा। आपको आम आदमी पार्टी से टिकट मिली है मथुरा वृंदावन चौरासी विधानसभा से, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे मथुरा वृंदावन से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और मेरी पार्टी ने जो मुझसे उम्मीदें रखी हैं उन उम्मीदों पर मैं खरा उतर रहा हूँ और अपनी पार्टी की नीतियों को जाकर जगह जगह पर मथुरा हो वृंदावन हो हर घर में जाकर हर गली में जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने पुरानी पार्टियों को देखा है, चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हैं अभी तक, अब जनता इन पार्टियों से परेशान हो चुकी थक चुकी है, अब उनको बदलाव चाहिए। और बदलाव की तरफ मैं देख रहा हूं कि मेरी पार्टी बदलाव लाने के लिए सक्षम है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा है हम लोगों ने दिल्ली मॉडल जो किया है वो हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं उस मॉडल को। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लेकर या तो आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए हमारी पार्टी अभी तक 230 सीटें फाइनल कर चुकी है और 403 पर ही चुनाव लड़ेगी पूरा। तो इसको लेकर के हर एक पार्टी से चंद वो चुनाव आ गए, इसको लेकर के प्रलोभन दिया जा रहा है, तो आपकी पार्टी से क्या व्यवस्था है? नहीं, प्रलोभन तो वो अब दे रही है ना, अब चुनाव आ गए तो प्रलोभन देगी, क्यों नहीं देगी? तो आपकी तरफ हमने प्रलोभन नहीं दिया, हमने करके दिखाया है, हमारी पार्टी दिल्ली में करके दिखाया है, हम प्रलोभन नहीं देते, हम करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जनता के लिए? देखिए जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी की ही लहर है और वही आने वाली है, और जनता से ये अपील है, ये मैं आग्रह करता हूँ कि वो अधिक से अधिक हमसे जुड़ें, अगर हमसे नहीं अपने आप से जुड़ें, अगर उनको अपनी ये पुरानी भ्रष्ट सरकारों से छुटकारा चाहिए तो आम आदमी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित भी हो रहे हैं और प्रभावशाली वाली पार्टी को बना भी रहे हैं। यदि सरकार बनती है उसको लेकर कितनी सुविधाएं हैं जनता के लिए? देखिए अगर हमारी पार्टी की सरकार बनाती है तो सबसे पहली जो हमारी सरकार की जो गारंटी है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बिल माफ़ होंगे, और जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं हमारे, जैसे कि सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, ठीक है ना, सरकारी अस्पताल हैं उन, जैसे कि हम दिल्ली में जाकर देखा है कि यहाँ के अस्पताल आप जाके देखो भीड़ बकरियों से ज़्यादा, मतलब आदमी तो वहाँ जा ही सकता, वहाँ अगर जानवर जाए तो मैं क्या कह नहीं सकता, आदमी नहीं जा सकता वहाँ पर। यहाँ से योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए योगी आदित्यनाथ जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं ये तो अभी उनका निजी फैसला है पार्टी का, उसके बारे में अभी किसी को कन्फर्म नहीं है, ना भी किसी को अभी कन्फर्म हुई है यहाँ पर, और अगर होती है चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, हम चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, जीतेंगे। क्लियर क्लियर सीधी सीधी बात है कि अब मथुरा वृंदावन नहीं, पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर और पार्टी सरकार बना रही है। चुनाव कितने सीटों पे लड़ा है? 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी हमारी आम आदमी जी, बिल्कुल। तो